अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ वहीं से जहाँ से लास्ट व्लॉग जो है वो मैंने ख़त्म किया था। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मदीना एयरपोर्ट पे पहुँच गए थे और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि कॉस्ट भी बताएँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि साथ साथ जो है वो चीज़ों की कॉस्ट भी जो है वो एड ऑन करती रहूँ अपने वॉइस ओवर में। लोग बाहर आए थे तो ये देखें, इन्होंने ये मशीन्स इंस्टॉल की हुई हैं। ये जो है वो ई वीज़ा के लिए, जो लोग ई वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं वो यहाँ से ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, वी आर फाइंडिंग आवर बैग्स। आई थिंक दैट इज आवर्स। आई विल जस्ट चेक इट आउट इफ इट इज आवर्स और नो। आई थिंक दिस वन इज आवर्स। ओ यस, दिस इज़ आवर्स। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मदीना पहुंच चुके हैं और बस अब हम बाहर जाएंगे और कैब करेंगे और होटल जाएंगे। हम लोग जैसे ही बाहर आए थे तो यहाँ पे ये ग्रीन वाली टैक्सीज भी थी और ये कंपनीज की प्राइवेट टैक्सीज भी थी, तो हमने प्राइवेट टैक्सी कंफर्म की है और जो इन्होंने हमें रेट्स बताए वो अराउंड 80 रियाल बताएं यहाँ से लेके मस्जिद नबवी तक। तो हम लोग बस अभी रास्ते में और वहाँ पे जाके हम लोग होटल बुक करेंगे क्योंकि होटल हमने बुक नहीं किया हुआ। ये जो आपको राइट साइड पर नज़र आ रहा है ये जबल अहद है जहाँ पर मुसलमानों की दूसरी जंग अहद हुई थी। अभी इस वक्त क्योंकि पीक सीज़न है तो आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि एटलीस्ट आप फर्स्ट नाइट का होटल बुक करवा के जाएँ, क्योंकि हमें होटल बुकिंग में काफ़ी इशू हुआ था। होटल्स जो है वो जो करीब थे मस्जिद नबवी के वो सारे ऑक्यूपाइड थे, तो हमें स्पेस नहीं मिल रही थी। बहुत मुश्किल से एक बॉस्पोरस होटल के करीब हमें एक होटल मिला था जो कि अराउंड 300 रियाल पर नाइट के हिसाब से मिल गया था। आपको ये एसटीसी मोबाइल का कियोस्क नज़र आ रहा है। आसिम यहाँ से अपनी सिम ले रहे थे क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था। हम जो है ना पहुँच चुके हैं और हमने जो है ना बैग्स खोल लिए अपने और थोड़ी सी अनपैकिंग कर ली है क्योंकि हम लोगों को कपड़े वगैरह चेंज करने और फिर हमें जाना है मस्जिद नबवी। मस्जिद जाने से पहले हम लोग रुक गए एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए। गाइस, हम लोग जो है लोकल रेस्टोरेंट में आ गए डिनर के लिए। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, बहुत ही एवरेज है मतलब लुक्स वाइज, लेकिन प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, सस्ता नहीं है। जैसे मैंने सुना था कि सऊदीया में खाना काफ़ी सस्ता है, तो इस रेस्टोरेंट में तो सस्ता नहीं है। जैसा कि रेस्टोरेंट है मतलब जितना एवरेज का रेस्टोरेंट है उस हिसाब से प्राइसेस नहीं, प्राइसेस एक्सपेंसिव और ये मस्जिद नबवी के करीब है। खाने के ऑप्शंस काफ़ी कम थे क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और फिर उसके बाद रास्ते में रुक के मैंने अपने लिए सिम भी ले ली थी। सिम हम दोनों ने, आसिम और मैंने दोनों ने एसटीसी की ली थी और आपको जगह जगह ऐसे कियोस्क नज़र आएंगे एसटीसी के और दूसरे भी नेटवर्क्स के, तो आप देख लें जो आपको सूटेबल हो। ये मैं आपको एसटीसी के पैकेजेस दिखा रही हूँ। मैंने ये सेकेंड नंबर वाला पैकेज लिया था जो कि 55 रियाल का था और उसमें 15 GB डेटा था, तो मैंने और आसिम दोनों ने यही वाला पैकेज लिया था और 5 रियाल एक्स्ट्रा आई थिंक उन्होंने सर्विस चार्जेस लिए थे, तो टोटल 60 रियाल एक सिम के थे। ये देखें सामने, बिल्कुल सामने मस्जिद नबवी आ गई है और ये मस्जिद नबवी की एंट्रेंस है। मैं अभी आगे जाके अंदर जाके भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि अंदर जाते ही क्या नज़र आता है क्या नहीं। मस्जिद नबवी के बहुत सारे गेट्स हैं और हमारा जो नियरेस्ट था वो गेट 316 था, तो हम उससे एंटर हो रहे हैं और अंदर जाके हमें सही पता चलेगा कि ये कितना दूर है एक्चुअल रोज़े रसूल से। बड़े ही रहने से काम होगा। मस्जिद नबवी के बहुत सारे गेट्स हैं, तो मतलब बाहर वाले भी और मस्जिद के अंदर जाने वाले एरिया में भी। तो पहले तो शुरू में हमें फिगर आउट करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा कि कहाँ से जाना है, कहाँ से अंदर जा सकते हैं। और ख़वातीन और मर्दों के जो मस्जिद की एंट्रेंस है वो भी बिल्कुल अलग है, लेकिन बाहर वाला एरिया जो है वो साथ ही है, मतलब आप वहाँ पे साथ हो सकते हैं जो सहन आपको नज़र आ रहा है, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते। और ये हमें मिल गया है गेट नंबर 1, ये इसका नाम है बाबुसलाम। यहाँ से आप अंदर जाते हैं, हम नहीं ख़वातीन नहीं मर्द यहाँ से अंदर जाते हैं और यही एक जगह है जहाँ से आप रोज़े रसूल पर डायरेक्ट जाते हैं और सलाम पेश करते हैं। ख़वातीन को इस दरवाजे से जाने की परमिशन नहीं है। ख़वातीन गेट नंबर 32 से जाती हैं रोज़े रसूल पर सलाम पेश करने और उसके पर्टिकुलर टाइम से सिर्फ फजर के बाद और इशा के बाद जाती हैं, और जिस वक्त हम यहाँ पर थे उस वक्त वो ख़त्म हो चुकी थी टाइमिंग्स, तो मैं नहीं जा सकी। मैं बाहर वेट कर रही थी गेट नंबर 1 के सामने और आसिम, मैं बच्चों के साथ बैठी हुई थी और आसिम जो है वो अंदर अकेले गए थे, और बच्चे अलाउड नहीं हैं मस्जिद के अंदर, बच्चों को आपको बाहर ही छोड़ के जाना होता है। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा।
सलाम के लिए मर्द जो है वो गेट नंबर 1 से अंदर जाते हैं, लेकिन बाहर जो है वो गेट 41 से आते हैं। उन्होंने इस तरीके से वे बनाया हुआ है, और जब आप अंदर जाते हैं तो रियाजुल जन्ना को इस तरीके से वाइट इन्होंने शीट्स लगा के कवर किया हुआ है। और इसे रियाजुल जन्ना की तो खैर मैं एक अलग से वीडियो जो है वो बनाऊँगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, लेकिन ये अंदर का रास्ता आप देख सकते हैं मर्दों की एंट्रेंस का। और ये बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है गुंबद-ए-खिज़्रा, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस मस्जिद नबवी में इसलिए है क्योंकि इसके बिल्कुल नीचे रोज़े रसूल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक इसके बिल्कुल नीचे, इस डोम के नीचे। और इसके काफ़ी आगे तक इन्होंने बैरियर्स लगाए हुए हैं, तो हम सिर्फ दूर दूर से देख सकते हैं, आगे जाने की परमिशन नहीं है। ये उसकी पहचान है गाइस, जो मस्जिद का अंदर का हिस्सा है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे रात में बंद हो जाता है, और ख़वातीन का तो और भी जल्दी बंद हो जाता है, लेकिन मर्दों के कुछ गेट्स अभी इस वक्त खुले हुए थे, लेकिन ख़वातीन के लिए पूरी मस्जिद बंद हो चुकी थी, लेकिन बाहर का सहन जो है वो हर वक्त खुला रहता है। तो मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में ये फ़र्क है कि मस्जिदुल हराम तो 24/7 आपका खुला रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। और मैं बस यहाँ गेट 41 के बाहर ही खड़े होकर मैंने सलाम पेश कर लिया था, क्योंकि मैं अंदर नहीं जा सकती थी, और इवन इस जगह पर भी जो है वो ख़वातीन को आना अलाउ नहीं करते, लेकिन अभी क्योंकि इतना रश नहीं था तो इसीलिए उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। और मैंने ये देखें गुंबद-ए-खिज़्रा कितना करीब है, यहाँ खड़े होकर सलाम पेश कर लिया था, और उसके बाद फिर मैं अब इंशाल्लाह कल सुबह फजर में आऊँगी, क्योंकि वो ख़वातीन का टाइम है, तो मैं उस टाइम पर आके जो है वो सलाम पेश करूँगी। और इस वक्त तक मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि ख़वातीन जो है वो रोज़े के सामने नहीं जा सकती, और उनके और रोज़े के बीच में एक पर्दा होता है, पर्दा एज इन के एक प्रॉपर वाइट शीट से सब कुछ कवर होता है, ख़वातीन को जालियाँ भी नज़र नहीं आती, कुछ भी नज़र नहीं आता, सिर्फ इस बात का एहसास होता है कि इस पर्दे के पीछे जो है वो रोज़े की जालियाँ मौजूद हैं, और आप उस जगह पे खड़े हुए सलाम पेश कर सकते हैं। इस तरीके से वाइट वाली शीट्स होती हैं और कुछ भी नज़र नहीं आता। तो ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ, ये क्लिप जो है वो आसिम ने बनाई थी मर्दों की साइड से, और मैं जो हूँ वो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सैड थी इस बात से कि हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते, तो हमारे लास्ट डे पर जो हमारा मस्जिद नबी में आखिरी दिन था, उस दिन आसिम मेरे लिए वीडियो क्लिप बना के लाए थे। और क्योंकि उससे पहले तो जब भी गए रोज़ा रसूल पर उन्होंने मोबाइल फ़ोन नहीं निकाला था, हम लोगों में से किसी ने भी नहीं निकाला था, लेकिन ये क्लिप आसिम पर्टिकुलरली मेरे लिए बना के लाए थे, क्योंकि मैं जो हूँ वो देख नहीं सकी थी ख़ुद से, तो इसीलिए उन्होंने ये क्लिप बनाई थी कि मैं एटलीस्ट वीडियो में देख सकूँ, और क्योंकि रियल लाइफ में हम लोग ख़वातीन नहीं देख सकते। तो अभी जो है वो मैं वीडियो क्लिप आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि और भी बहुत सारे लोग जो नहीं देख सकते वो इस वीडियो क्लिप में देख सकें कि रोज़ा रसूल जो है वो इन एक्चुअल में दिखता कैसा है। और मर्द जो है वो दिन के किसी भी टाइम जो है वो जा सकते हैं, क्यू होती है, क्यू में आपको खड़े होना होता है, और इस क्यू से जो है वो आप इस जगह पे आते हैं और सलाम पेश करके सीधे सीधे निकल जाते हैं बाहर। और ख़वातीन तो सिर्फ दो टाइम्स पे आ सकती हैं, और वो भी पर्दे के पीछे होती हैं, तो वो कुछ भी नहीं देख सकती। जो क्यू होती है बस ये चलती रहती है, आपको खड़े होना या वेटिंग भी अलाउ नहीं होती यहाँ पे। ये जो आपको सबसे पहले रोज़े की जालियाँ नज़र आ रही हैं, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, इसके ऊपर रसूलल्लाह लिखा हुआ भी है। और इससे आप दो कदम आगे बढ़ेंगे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ा मुबारक है, और दो कदम मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ा मुबारक है, और आप वन बाय वन सलाम पेश करते हुए इस जगह से, इस पैसेज से बाहर निकल जाएंगे। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा, दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने। गाइस बस हम यहाँ पे कुछ टाइम गुजार के अब रात के 1 बजे तकरीबन यहाँ से निकल रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं अपने होटल, और अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हम यहाँ आ भी गए, बिल्कुल अनरियल सा लग रहा है, ऐसा जैसे कि कोई ख्वाब ख्वाब जैसा फील हो रहा है, और बहुत रौनक है यहाँ पर, इवन इतनी रात में भी जो है वो ऐसा लग नहीं रहा कि इतनी रात हो रही है, इतनी चहल पहल, इतने लोग हैं। सो गाइज अब हम मस्जिद नबी से अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, अराउंड 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस था, और रास्ते से रुक के आसिम ने अपने लिए फ़्लिप फ्लॉप्स ली थी क्योंकि कल हमें जाना है उमरा के लिए मक्का। गाइज हम लोग बकाला आ गए, गेट सम पानी एंड अदर स्टफ। यस वी विल बाय मोर लेटर। इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे वाइंड अप। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अगले व्लॉग तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।
Please like, comment, share and subscribe to this channel. Don't forget to hit bell icon.